नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी बात हो रही है वेस्ट बंगाल में, सीबीआई वर्सेस दीदी। बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर से सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और जांच एजेंसी ने आज कई जगह पे छापे मारे हैं। और इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ शुरू हो गई है। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई कोर्ट से इन चारों नेताओं की कस्टडी मांगने पे विचार किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। और पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे मेहमानों का स्वागत करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। थैंक यू मनविंदर जी। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई भी हैं और ऐसे विचारक हैं मेरठ में जो किसी भी विषय पर अगर उनसे चर्चा की जाती है तो उनपे एक जखीरा है जो उसके लिए, ये खुद एक कंप्यूटर है और सारी चीजें ये बता सकते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ श्री अनिल गुप्ता जी का, उनका स्वागत करता हूँ। ये पूर्व सहायक आयुक्त रहे हैं व्यापार कर में और अपनी विचारधारा से थोड़े संघ से प्रभावित हैं, लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है और किसी भी विषय पर चर्चा की बात है वो अद्भुत क्षमता अनिल गुप्ता जी रखते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं प्रदीप अरोड़ा जी, अभी भी मुंह से उनके लिए युवा नेता निकलने वाला था, हालांकि हम उस उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं कि शायद युवा कहना सबको स्वीकार ना हो, पर वो इसलिए कहना था कि जो इनका जोश है वो आज भी, जो उत्साह है वो किसी युवा से कम नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ साथ बड़े हुए और छात्र जीवन से ही प्रदीप अरोड़ा बहुत जुझारू रहे। वो कांग्रेस के लिए आज भी प्रतिबद्ध है, पहले भी प्रतिबद्ध थे। जो परिस्थितियां आज हैं उसमें हम जरूर जानना चाहेंगे कि प्रदीप जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अनिल जी, इसकी भूमिका ये हुई कि आज सुबह हमारी और मनिंदर जी की चर्चा हो रही थी तो तब तक एक जो भोकाल चल रहा था वो दिल्ली में जो पोस्टरबाजी हुई आप वालों ने की और मोदी जी के लिए अशोभनीय शब्द या वैसे मर्यादित शब्द नहीं थे, जिसके लिए एक को गिरफ्तार भी किया गया आप कार्यकर्ता को, और उसके बाद एक ट्विटर पे जंग चल गई जिसमें कांग्रेसियों ने या कांग्रेस समर्थकों ने बहुत सारे ट्वीट किए और स्वयं राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मुझे भी गिरफ्तार करें। अभी उन पे हम चर्चा कर ही रहे थे कि बंगाल का दृश्य सामने आ गया जहां पे सीबीआई ने चार टीएमसी नेताओं को लिया हिरासत के लिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर अपने अलग तेवरों के लिए जाने जाने वाली ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, वो खुद सीबीआई कार्यालय पहुंच गई और बोली कि मुझे भी गिरफ्तार करो। अब ये जो परिस्थितियां हैं देश में, चाहे वो दिल्ली की बात करें या बंगाल की बात करें, बंगाल तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहा है, चाहे वो चुनाव पूर्व हिंसा हो या चुनाव के बाद की हिंसा हो, और जिस तरह से ट्विटर जो रणस्थली है वो ट्विटर बन गया है, उस पर जो कांग्रेस वालों ने कहा, कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानेंगे कि साहब ये गलत है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो कोई कुछ भी कह सकता है। इसी तरह से अगर हम टीएमसी समर्थकों से बात करेंगे तो वो दीदी की कदम को जायज ठहराएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, जो केंद्र और राज्यों के संबंध है, उसमें संघीय ढांचा जिस प्रकार का हमारा है, अगर इस तरह की छूट मिलती रही या इस तरह के आगे भी काम होते रहे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उस पर लगेंगे। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है, उसमें कांग्रेस समर्थक या दूसरे हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेंगे, लेकिन बस एक ही सवाल मन में आता है एक पत्रकार होने के नाते कि क्या प्रधानमंत्री को कुछ मामलों में अपवाद स्वरूप छोटी बातों में तो नहीं घसीटा जाना चाहिए। ये ऐसा एक जनमत भी है। तो मैं सबसे पहले भाई प्रदीप अरोड़ा जी से पूछना चाहूंगा कि उन्हें राहुल जी का ये कदम या ममता बनर्जी का सीबीआई कार्यालय में पहुंचकर इस तरह से आंदोलन करना या धमकी देना कहां तक उचित है और वो कैसे इसे मानते हैं। प्रदीप अरोड़ा जी, पुष्पेंद्र जी, ये दो मामले हैं।
पहला मामला है मुझे गिरफ्तार करो वाला मामला, उसमें एक आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मजे की बात यह है कि दिल्ली में कल कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए कि मोदी जी अगर वैक्सीन हमारे बच्चों की नहीं है उसको आपने विदेश भेज दिया है, सिर्फ इतना पोस्टर लगाया है, इसके अलावा उस पोस्टर पर कुछ नहीं लिखा है। उसमें उसके वाले पोस्टर लगाने पर दिल्ली में 25 लोग गिरफ्तार किए गए, एक नहीं, एक 19 साल का स्कूल का स्टूडेंट है, 30 साल का ई रिक्शा चालक है और 61 साल का एक बढ़ई है। इस तरह से कुल 25 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या बोलने का अधिकार भी देश में खत्म हो गया? इतना भी नहीं झेल रहा हूं, इतना भी विरोध नहीं झेल सकते अगर किसी बच्चे ने लगा दिया। अब ये पोस्टर खाली खाली दिल्ली की बात नहीं रह गई है, अब ये पोस्टर आज प्रियंका जी का दिखे, प्रियंका जी ने अपने प्रोफाइल में यही पोस्टर लगा दिया, उसमें डेली वेजेस करने वाले वो लोग उठाए गए हैं। 25 लोग कौन उठाए, देखे तो ये जो डेली मजदूरी करते हैं उन लोगों को उठाया गया है। अगर ऐसे पोस्टर लगा दिए कि हमारे बच्चों की आपने वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तो इतना भी आप में सहन शक्ति नहीं है, एक मुद्दा तो ये है। दूसरा ममता जी वाला मुद्दा, उसमें 5 साल वाले पुराने केस में ममता के सरकार बनना हजम नहीं हुआ किसी भी कीमत पर। 5 साल पुराना केस है जिसमें उनके गृह मंत्री को और दूसरे मंत्री को उठाया गया। मजे की बात यह है उसमें 2 लोग बीजेपी के भी शामिल हैं, उनको हाथ नहीं लगाया गया, सिर्फ 2 ही लोग सीबीआई ने वो उठाए और सीबीआई को इसी समय मुद्दा मिला, क्योंकि अब जब नाक नीची हो गई, सब जगह से नाक कट गई तो सीबीआई के पास पहुंचे, वो तो मालूम है सीबीआई तोता है, सबको पता है सीबीआई तोता, मैं नहीं कहता, सब लोग कहते हैं। अभी कोविड कांड में 50 से ऊपर जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के उठाए गए, उन्होंने सच दिखाया और सच बताया। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में, क्या यही देश हमने बनाया था, आजादी हमने इसीलिए ली थी क्या? पर प्रदीप जी, जो दिल्ली में पोस्टर लगे हैं उसमें जो एक कानून है भाई, प्रिंटिंग मशीन का नाम आना चाहिए, प्रिंटर का सब आना चाहिए, वो आया नहीं, फिर सीसीटीवी से ट्रेस किया गया, उन लोगों को उठाया गया, तो जब ये लड़ाई करनी थी तो उसमें इस तरह से क्यों किया गया, छुपाया क्यों गया? अगर आपने वो पोस्टर छपवाए थे सर, ये कहा कह रहा है कि आम आदमी नहीं, वो गरीब आदमी है जो 25 लोगों ने छुपाया, उसमें उनकी गलती क्या थी? उन पर सेक्शन इंडियन पैरल कोड का सेक्शन 88 लगा दिया है, सरकार का नाम मानने का आदेश, और तो मजे की बात है उन पर सेक्शन 269 भी लगाया गया है। 269 का मतलब है देश में बीमारी फैलाना, मतलब उन पोस्टरों से क्या बीमारी फैल रही है पुष्पन भाई? मतलब जी आप बताइए क्या उन पोस्टरों से बीमारी फैली, उन पर एक्ट लगाया जाए सेक्शन आईबीसी का सेक्शन 269, इसका मतलब बीमारी फैलाना यानी कोविड फैलाना, इसका मतलब पोस्टर लगाने से कोविड फैल गया दिल्ली में। आप बताइए, हम इस मामले में बड़े भाई अनिल गुप्ता जी के भी विचार जानना चाहेंगे। हाँ, बंगाल में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि शारदा घोटाला, ये असल में शारदा स्टिंग घोटाले में ये मैथ्यू सैमुअल ने ये स्टिंग किया था अगर आपको याद हो, और उसमें सवाल ये उठ रहा है कि चाहे वो फिराद हाकिम हो, सुब्रत मुखर्जी हो, मदन मित्रा हो या शोभन चटर्जी हो, अगर इनको घेरेबंदी इनकी की जा रही है तो शुभेंदु अधिकारी या मुकुल राय क्या कमल सरोवर में स्नान करके पवित्र हो गए हैं? तो मैं भाई अनिल गुप्ता जी से चाहूंगा कि वो प्रदीप जी की बातों का, हमारे मन में उठती हुई शंकाओं का समाधान करेंगे। भाई अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस चर्चा के अंदर मुझे भाग लेने का अवसर दिया, और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पोस्टर लगाया गया हमारे वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, तो इनकी श्री अरोड़ा जी और भी जो कांग्रेस के नेता या आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देश में अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई। जब देश में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन ही अभी तक तैयार नहीं हुई है, और अब सरकार ने विचार करना शुरू किया है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन विकसित करने के प्रयास किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर जाने का सवाल कहाँ पैदा हो गया? निश्चित रूप से इस प्रकार के भड़काने वाले पोस्टर लगाना केवल आम पब्लिक में विधि द्वारा निर्वाचित सरकार के प्रति डिसअफेक्शन पैदा करना, उनको भड़का कर अशांति पैदा करना और लोगों को गुमराह करना है। इस पैंडेमिक के माहौल के अंदर जब सबका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम एकजुट होकर इससे लड़ें, कमी कम 2 साल बाद 1 साल बाद कभी भी जांच करके सजा दे लेंगे लोगों को, लेकिन इस टाइम हमारी आवश्यकता सबसे ज्यादा यह है कि जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनमें हम उनकी कैसे हेल्प करें। आज ही मैं सवेरे अखबार में न्यूज देख रहा था कि परसों 1.25 करोड़ से अधिक वैक्सीन राज्यों के पास में मौजूद थी, जबकि केवल 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और उन्होंने यह कि केंद्र में वैक्सीन नहीं दे रहा, केंद्र में वैक्सीन नहीं दे रहा। इसी तरह से पिछले
एक्चुअली कोई ये तो कोविड का मसला है जो 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी पिछले 7 साल में हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या के अंदर तथाकथित बुद्धिजीवी वामपंथी विचारक वो ये सोचते रहे हैं कि इस देश के अंदर कोई भी राष्ट्रवादी सरकार तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो उससे उनका नैरेटिव सबका खत्म हो जाता है। पिछले 7 वर्षों में जनहित का, पब्लिक के हित का, या इस कोरोना काल के 13-14 महीने के दौरान राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, या इनकी माताजी श्रीमती एंटोनिया माइन, किसी एक व्यक्ति की एक पैसे की मदद की हो, उसको एक बार किसी को अस्पताल में पहुंचाने में कोशिश करी हो, है तो उसका नाम बता दें। केवल इनको झूठ झूठ और झूठ ही बोलना है और पूरे देश भर में झूठ का प्रचार करना है। तो ये स्थिति है, ये देश के अंदर एक बात समझ लें कि हम कोई अलग 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 स्वतंत्र देशों को मिलाकर कोई फेडरल कंट्री नहीं बने जैसे यूएसएसआर बना था 124 छोटी छोटी छोटे छोटे देशों को मिलाकर। हमारा देश एक क्वासी फेडरल कंट्री है। पुष्पन जी भाई जो है जानते हैं, लौके विद्यार्थी रहे कि क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है। हम फेडरल दिखने में है लेकिन हम सब एकात्मक शासन है और हमारे यहाँ जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य की इकाई केंद्र की इकाइयों के रूप में केवल काम करेंगी, क्योंकि स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता नहीं है कि वो जो मर्जी आए करेंगे उसको बर्दाश्त किया जाएगा। उनको संविधान के अंदर चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को मानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो निर्देश केंद्र को देने का अधिकार है उन अधिकारों को, उनके निर्देशों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ राज्यों ने तय कर रखा कि हमें कुछ नहीं मानना है, तो ये जो अराजकता पैदा करने वाली स्थिति है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि 7 साल से जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो इस सबको बहुत ही ज्यादा उदारता के साथ में बर्दाश्त कर रही है। अगर कहीं इस स्थिति के अंदर हमारी लौह महिला, कह लूं तो कोई बुराई नहीं होगी, श्रीमती इंदिरा जी होती तो शायद अब तक ये सारे के सारे जेलों के अंदर सड़ रहे होते हैं, और जरा सी किसी भी बात के ऊपर उनको बंद कर देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक शमीम अहमद शमीम को उसने के आर गणेश ने एक इंटरव्यू दे दिया था, क्या उसने हाजी मस्तान, उसके बाद में लाखों की संख्या के अंदर लोगों को मिसा के अंदर बंद कर दिया गया था। केवल उसने कह दिया था कि वो हमारे से दिन के उजाले में है, हमारे खिलाफ गालियां बकते हैं, रात के अंधेरे में हमसे पैसा लेने आते हैं कांग्रेस के एक तत्कालीन मंत्री के लिए, तो उसका नतीजा वो हजारों नौकरों को जेलों में डाल दिया गया। तो क्या ऐसी स्थिति चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि उसी सब इतिहास को दोहराया जाए। आज शांति के साथ में बार 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 अपील की जा रही है कि भाई सहयोग करो, देश को इस टाइम मदद करने का काम करो, लेकिन उसकी बजाय केवल डिसअफेक्शन पैदा करे और लोगों को भड़काओ, उनको गुमराह करो। और ये जो अभी बच्चे की बात कही कि 19 साल का बच्चा और 61 साल के रिक्शा चालक को पकड़ लिया गया, तो ये रिक्शा चालक और 19 साल के बच्चे ये क्या खुद से अपना पोस्टर वहां पर चिपकाने के लिए गए थे? जैसा कि अभी भाई पुष्पन जी ने कहा कि भाई पोस्टर के अंदर प्रिंटर पब्लिशर का नाम होना बहुत आवश्यक है, और प्रिंटर और पब्लिशर का नाम ना होना ही अपने आप में उनकी बदनीयति को दर्शाता है। उसका पेमेंट सारा का सारा किस ढंग से किया गया, उसके सारी की सारी वार्ता वो सारी की सारी आज अखबार में छप चुकी है, तो इसलिए उसके बारे में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी देश को तोड़ने की आजादी, देश के अंदर डिसअफेक्शन पैदा करने की आजादी, देश की चुनी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की आजादी नहीं है। संविधान के अंदर भी अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के अंदर उसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ये तो अभी तक इतनी उदारता के साथ में उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मैं तो समझता हूँ कि जितने लोग डिसअफेक्शन पैदा फैलाने वाले लोग हैं इन सबको एक सिरे से एनएसए में बंद कर देना चाहिए। मैं अनिल जी को एक मिनट के लिए कहूंगा, मैं चाहूंगा कि जहां तक अनिल जी इसको ले गए हैं, इतिहास भी याद दिला रहे हैं और एनएसए की बात भी कर रहे हैं, तो क्या प्रदीप अरोड़ा जी आपको जवाब देना चाहेंगे? आपकी आवाज म्यूट हो गई है प्रदीप जी, आवाज नहीं आ रही। प्रदीप जी बात घुमाना अगर कोई जाने तो संगीत, देखिए मुक्षमन जी बात घुमाना अगर कोई जानता है तो वो संगीत से बढ़िया कोई जानता। अनिल जी ने सिद्ध कर दिया, अनिल जी कह रहे हैं बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी। अरे भाई जो 60 साल का मेरा बच्चा 25 साल का है वो 25 साल का बच्चा ही है मेरे लिए, जो 60 साल का 65 साल का व्यक्ति है उसका बच्चा 30 का हो 35 का हो वो उसका बच्चा ही है। बच्चा 7 साल और 6 साल का नहीं होता है, वो बच्चे की बात कर रहा है, उस बच्चे का मतलब उस बच्चे से, ना कि उस बच्चे से जिसका अनिल जी बताना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है, अभी आप अभी इतने बढ़िया बता रहे हैं कि हम होते तो जेल डाल देते। आपको शायद ध्यान होगा केरल के मशहूर पत्रकार थे सिद्दीक कप्पन, सिद्दीक कप्पन जी हाथरस कांड को कवर करने गए थे,
वो आज तक जेल में है, मथुरा जेल में सड़ा दिया गया कि को कवर करने गए हो। ये लोग हेलो अभी उनको जो है छोड़ने की बात करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, उनको कोविड हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको अस्पताल लाया गया दिल्ली में, अभी तक उसको अस्पताल नहीं भेजा गया है। ये तो लोकतंत्र है बढ़िया वाला जो बोलने की आजादी की बात करें। दूसरी बात कहते हैं इंदिरा जी होती तो जेल डाल देती, तो आप यही चाहते आप लोग लोकतंत्र है का? इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई, उसके बाद माफी भी मांगी, उसके बाद इमरजेंसी खत्म भी करी। अब आप अजय बीजी क्या कर रहे हैं, अजय बीजी से जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आप पोस्टर की बात करते हैं, आपने कहा कि पोस्टर लगा दिया इसलिए गिरफ्तार किया। आपको ध्यान हो जब चुनाव हो रहा था आज से 7 साल पहले 2014 तो मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लगा दिए थे, बहुत हुआ पेट्रोल महंगाई की मार, अब की बार लाओ मोदी सरकार पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सस्ता हुआ पेट्रोल, उसके भी खिलाफ कीजिए। वो जो पोस्टर लगाया था मोदी जी ने उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एफ आई आर कराइए, उनको भी जेल भेजिए। वो भी तो पोस्टर था, वो पोस्टर नहीं था क्या, मुझे ये बताया गया। चलिए जी मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं ये जानना चाहूँ, ममता दीदी ने भी ये कहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, ममता दीदी ने भी ये कहा है कि मुझे गिरफ्तार करो। उसपे अनिल जी क्या कहते हैं? देखिए ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि उनकी एक ऑडियंस है वहां पर, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उस फैन फॉलोइंग को भी खुश रखना है उन्हें, उन्हें भी ये दिखाना है कि तुम सही कहो गलत कहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए इससे पहले भी जिन जिन मामलों के अंदर सीबीआई अपराधियों को दोषियों को पकड़ने के लिए गई वहां पर इंदिरा ममता जी जाकर धरना देकर बैठ गई और वहां पर उन्होंने तमाम किस्म का ड्रामा किया, तो वो ड्रामे के अंदर बहुत उस्ताद हैं और उन्होंने उनकी पूरी राजनीति केवल इस प्रकार के ड्रामों पर आधारित है। जहां तक गिरफ्तारी करने है, अगर कोई ऐसी धारा उनके खिलाफ बनती होगी तो अवश्य उनकी भी नंबर आएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। वो कोई ऐसा नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि किसी भी मंत्री को या विधायक को या स्पीकर की या किसी की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देयर इज नो सच लॉ इन द स्टेट इन द कंट्री। और जो अगर ये दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो मैं अरोड़ा जी को बता दूं कि सेक्शन 88 नहीं सेक्शन 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है, 188 आईपीसी जो 144 के वायलेशन के लिए लागू होती है दिल्ली में, पूरे में 144 लागू है। 188 इज वायलेशन ऑफ 144 144 के अंदर किसी भी प्रकार की अशांति पैदा करना या किसी प्रकार की इस प्रकार की हरकतें करना वो प्रतिबंधित है। तो दूसरी बात, जहां तक ममता जी का सवाल है, ममता जी पिछले 7 साल से ऐसा समझ रही हैं कि शायद दिल्ली की गद्दी पर तो उनका अधिकार होना चाहिए था, है ये दाढ़ी वाला कहां से आगे बैठ गया भाई है? और जो है उसके बाद में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कभी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर को वहां पर उतरने नहीं दिया, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रोग्रामों में रोड़ा अटकाया, कभी उन्होंने और दूसरे कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया। तो लोकतंत्र के अंदर ये सब नहीं चलता है। लोकतंत्र के अंदर आपको सबको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को साथ में लेकर चलना होगा, तभी ये देश के लोग और लोकतंत्र टिका रह सकता है। लोकतंत्र ये नहीं है कि हम जो है अपनी मनमर्जी करें, ये लोकतंत्र है। मनमर्जी के साथ साथ उसके अंदर कुछ दायित्व, कुछ बंधन, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ मर्यादाएं भी आती हैं। वो मर्यादाओं का पालन करने की आदत ममता जी की और उनके अनुयायियों की नहीं है। वो हर चीज में कंट्रोवर्सी पैदा करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं वहां पर। जब वहां पर पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंची तब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। उससे पहले भी एक बार जब किसी विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची तब भी वहां पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गई थी। भाई आप कानून को अपने हिसाब से क्यों नहीं चलने देती, कानून को क्यों अपने हिसाब से काम करने देती? अगर सीबीआई है और सीबीआई गलत काम कर रही है तो हमारे यहाँ देश के अंदर हमारी अदालतें बहुत मजबूत हैं, हमारी अदालतें बहुत स्वतंत्र हैं और हमारी अदालत बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने यहाँ बुलाकर उसको भी उसकी उसकी सीमा दिखा सकते हैं, मर्यादा दिखा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर गलत मुकदमे कायम हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कोर्ट के अंदर, तो खारिज हो जाएंगे कोर्ट से। दूसरी बात, कुछ बताया गया कि साहब भाजपा के भी कुछ नेता थे जिनको उसके अंदर स्टिंग कांड के अंदर पाए गए थे, तो उनके खिलाफ अगर कोई सॉलिड एविडेंस है तो सकते हैं कोर्ट में जाए। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो जिसके अंदर सीधे नागरिक कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट ने उसके अंदर काम किया
कोयला घोटाले के अंदर सीधे सीधे नागरिक ने कोर्ट में केस दायर किया। वो ठीक है आपकी बात, पर सवाल जो है ना वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय, ये भी शारदा घोटाले में उस समय जब चर्चा आती थी तो इनका नाम ऐसे ही था, लेकिन आज इन्हीं चारों पर किया गया, इसलिए सवाल कहीं ना कहीं जरूर उठता है कि इन्हीं चारों को क्यों, शुभेंदु और मुकुल राय को अपहास स्वरूप क्यों छोड़ा जा रहा है, वो बात है। ये नहीं कि किसी एक ने केस किया, अगर अगर सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अगर आगे कोई एविडेंस आएगा तो कार्रवाई होगी, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो उनसे पूछताछ तो की जा सकती थी ना, अगर सबके लिए बराबर थे, पिछले 5 साल से 6 साल से चल रही है कार्रवाई है, और जो स्टिंग रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर भी राजीव कुमार पे जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी उसकी बात हुई थी कि उसके माध्यम से उनके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन की जो हेलो हाँ प्रदीप जी आप कहना चाहेंगे जी से? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी, वो तो गंगा नहा चुके, देखिए जो भाजपा में शामिल होकर वो गंगा नहा जाता है, अब वो दोनों जब गंगा नहा चुके तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे, वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, उनके लिए एविडेंस होंगे तो होगा, ये कह रहे हैं जी भाई, उनके लिए एविडेंस होता तो एविडेंस नहीं, उनका एविडेंस ढूंढने का काम है वो खुद ढूंढेंगे, उनके एविडेंस ढूंढने हैं तो पब्लिक जनता ढूंढेगी या ममता ढूंढेगी, और इनके खिलाफ एविडेंस सीबीआई ढूंढेगी, यही फर्क है ना, वो ममता खुद ढूंढ के लाए या वहां के आदमी खुद ढूंढ के लाए, और इनके लिए जो है एविडेंस ढूंढना है वो सर। लेकिन क्या आपको एक मुख्यमंत्री का सीबीआई कार्यालय में जाना और वहां ये कहना कि मुझे भी गिरफ्तार करो, क्या उचित लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मुझे ये बताइए आप, बात मर्यादा, अभी अनिल जी बात मर्यादा की कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मर्यादा है, जब मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांक रहे थे तब मर्यादा कहाँ थी, जब मनमोहन सिंह को चुप और मोनू बाबा कह रहे थे तब मर्यादा कहाँ थी, राहुल गांधी को पप्पू बता रहे थे तब मर्यादा कहाँ थी, आज मर्यादा याद आ गई, अपने भाषणों में क्या क्या बातें कही थी, पुष्पेंद्र जी आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हो, सारे रिकॉर्डिंग आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कितनी कितनी चीप और गद्दी बातें कही गई थी उस टाइम मनमोहन सिंह जी के बारे में, वो सब आपके पक्ष में जो भी बता, तब मर्यादा नहीं थी, आज मर्यादा आ गई, भाई वाह क्या कह रहे हैं प्रदीप जी, बहुत सटीक जवाब, और अनिल जी ने मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को दर्शकों को जो बताया है एक अपनी गंभीर वाणी में, उसे दर्शकों का मन जरूर बना होगा आज की दोनों घटनाओं को लेके कि क्या उचित है क्या अनुचित, एज ए जर्नलिस्ट हम लोग कभी भी जज नहीं हो सकते, चाहे हम हो मनविंदर जी हो, हम सिर्फ बातों को दोनों पक्षों को जनता के सामने अपने दर्शकों के सामने ले जाना चाहते थे, आप दोनों आए हैं, मैं मनविंदर जी से कहना चाहूंगा अगर वो कुछ और पूछना चाहें, और अन्यथा अतिथियों का धन्यवाद अदा कर इस चर्चा का आप धन्यवाद कर दीजिए पुष्पेंद्र जी। मैं सबसे पहले दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय दिया, और अनिल जी और प्रदीप जी ने जितने स्वस्थ तरीके से यहाँ पे बातचीत की और माहौल को भी बनाए रखा और दर्शकों को संदेश भी दिया, और दोनों ने अपना पक्ष भी बहुत बेहतर से रखा, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे खुशी है कि अनिल जी ने और प्रदीप जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, और ऐसे आगे भी जब कोई ऐसे विवाद उत्पन्न होंगे तो हमें आपकी याद आएगी अनिल जी और प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आपसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सर, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आप सबका भी, और इस कोविड के वक्त में मेरी सबसे कामना है कि सब लोग अपने को स्वस्थ रखें और आगे लगा रखें, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, जय हिंद।